जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, फोकस प्लस आउ एक स्पेशल कार्यक्रम को आपणको स्वागत करुची मु संयुक्ता। मंदिर ओडिशार संस्कृति आउ संस्कृति आमर परिचय। दर्शक बंधु, आज आम देखा ओडिशार किसी पर्यटन स्थल। से ही पर्यटन स्थल मध्य रही ओडिशार पांचटी टॉप मंदिर। तबे आम आज जो पांचटी मंदिर कथा कहूँ कौन रही मंदिर गुड़िकर स्वतंत्रता आसत जाना। पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर पृथ्वी प्रसिद्ध। यह भुवनेश्वर ठार 65 किलोमीटर दूरतार ओडिशार पुरी जिले अवस्थित। यह मंदिर भगवान विष्णु चारिधाम मध्य गोटे। यह मंदिर में श्री जगन्नाथ बलभद्र एवं देवी सुभद्रा पूजा पाता। यह एक पुरातन मंदिर। 1975 मसीह श्रीमंदिर को जातीय कीर्ति रूपे घोषणा कर। प्रतिदिन श्रीक्षेत्र को देश विदेश लक्ष लक्ष भक्त सुअ छुट्टी थाए। किंतु दीर्घ देढ़ वर्ष है कोरोना महामारी पर भक्त मान श्रीक्षेत्र को आसवा कटका कर। पुरी ओडिशार एक सहर और पुरी जिलार सदर महकुमा अटे। यह बंगोपसगर कूल में और राज्यर राजधानी भुवनेश्वर ठार 60 किलोमीटर दूर से अवस्थित। यह मुख्यतः जगन्नाथ मंदिर पृथ्वी प्रसिद्ध। भारतर चारिधाम मध्य पुरी हेउची अन्यतम। यह जगन्नाथ पुरी नाम प्रसिद्ध अटे। पुरीर अन्य नाम श्रीक्षेत्र और जगन्नाथ मंदिर अन्य नाम बड़देउल अटे। मंदिर मूल्यवान संपत्ति लुंठन आशार चतुर्थ ख्रीष्टाब्दर 19 ख्रीष्टाब्द मध्य अनेक हिंदू और मुसलमान शासक पुरी और जगन्नाथ मंदिर 18 थर आक्रमण करते। लिंगराज मंदिर ओडिशार भुवनेश्वर से एक पुरातन हरिहर मंदिर। यह मंदिर 1100 शताब्दी में राजा जजाति केशरी द्वारा निर्मित होता। मध्य देश विदेश प्रतिदिन अगणित भक्त छुट्टी आसी था। लिंगराज मंदिर ओडिशार भुवनेश्वर से एक पुरातन हरिहर मंदिर। यह 1100 शताब्दी में राजा जजाति केशरी द्वारा निर्मित होता। लिंगराज मंदिर कलिंग पंचरथ शैली या भुवनेश्वर सबुठ बड़ मंदिर। यह आयतन 520 फुटरे 465 फुट रही। मंदिर कांथ 7 फुट 6 इंच। बाहर आघात बचाई यार भीतर पाख कांथर एक छात रही। तारातारिणी मंदिर ओडिशार गंजाम जिले में अवस्थित हिंदू धर्मर शक्ति स्वरूपिणी देवी तारातारिणी शक्तिपीठ। आम देश में विभिन्न 51 शक्तिपीठ मध्य अन्यतम अटे। यह शक्तिपीठ से तारा और तारिणी रूप से दुई भौणी पूजा पाउछंती। तारातारिणी मंदिर ओडिशार गंजाम जिले में अवस्थित हिंदू धर्मर शक्ति स्वरूपिणी देवी तारातारिणी शक्तिपीठ नाम परिचित। आम देश में विभिन्न 51 शक्तिपीठ मध्य अन्यतम। यह शक्तिपीठ से तारा और तारिणी रूप से दुई भौणी पूजा पाई। एही पीठर महिमा जोगु बेस प्रसिद्धि लाभ करिछि। ओडिशारे थिबा विभिन्न शक्तिपीठ मध्यरे मा तारा तारिणी को पीठर स्वतंत्रता रहिछि। एही पीठ बौद्ध वैष्णवी तंत्र व शक्तिपीठ भावरे बेस प्रसिद्धि लाभ करिछि। कोणार्क ओडिशार पुरी जिल्लारे अवस्थित एक शहर। एठारे राजा लांगुला नरसिंहदेव द्वारा स्थापित सूर्य मंदिर अवस्थित। चंद्रभागा और बंगोपसगर कूल में अवस्थित एक विशाल रथाकृतिर यह मंदिर हेउछि पंचरथ विशिष्ट जहाँकि पथर से निर्मित। यह मध्ये एक विश्व ऐतिह्यस्थली। कोणार्क ओडिशार पुरी जिल्लारे अवस्थित एक शहर। एठारे राजा लांगुला नरसिंहदेव द्वारा स्थापित सूर्य मंदिर अवस्थित। पुरी सहर ठार 32 किलोमीटर दूरतार बंगोपसगर कूल में अवस्थित। यार अवस्थित स्वर्ण त्रिभुजर गोटे सीमार। एठारे राजा लांगुला नरसिंहदेव द्वारा स्थापित विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर रही।
ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଣାର୍କରେ ବାର୍ଷିକ ନାଚ ଓ ଗୀତ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏକ ବିଶାଳ ରଥାକୃତିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚରଥ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଚକ, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କାନ୍ଥ ରହିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ସମଲେଇ ବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରାଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ଏହି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସୋନପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ରହିଛି ସେହି 5ଟି ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ଆମରି ସ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର। ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁଠି ରହିବ ଫୋକସ୍ର ନଜର। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।